हेलो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे आप सभी होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स तो अभी है शाम का टाइम इवनिंग का टाइम हो रहा है और ये वो प्रसाद है जो जन्माष्टमी में चढ़ाए थे तो सारा प्रसाद को मैंने जगह पे रख दिया था ये थोड़े बहुत से फ्रूट्स थे और उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी ये सब ठीक करने के लिए क्योंकि घर थोड़ा सा भी फैला रहता है ना तो मुझे अजीब सा लगता है अगर सामान जगह पे ना रखा हो तो फिर यहाँ पे मैंने डोरमेट रखा क्योंकि इस जगह पे डोरमेट रखना बहुत ज़रूरी होता है किचन का जितना भी आ, कुछ भी अगर नीचे कर आ, काम करो ना तो गंदा सीधे हॉल में आ जाता है उसके बाद का स्टडी टेबल मैं ठीक ही कर रही थी तो मेरी शान को बोली कि बाबू अपना थोड़ा अपना बुक्स सुक्स जो है उसको ठीक से सही तरीक़ा से रखा कीजिए <laughs> तो ये आज पूरा एक्टिव हो गया ठीक है मम्मी मैं भी करता हूँ और इसने मेरी थोड़ी हेल्प की और इसने पूरा बेड ठीक किया फिर इसने मैं बाकी वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि आ, मैं किचन में काम करने लगी थी और इसने बहुत कुछ सामान जो था वो अरेंज कर दिया इसने सिर्फ हॉल का ही नहीं बेडरूम का भी इसने सामान जो है ना काफ़ी अच्छे तरीके से अरेंज किया तो उसको मेला भी जाना था अभी बज रहे हैं पाँच चालीस देख सकते हैं साढ़े पाँच से ज़्यादा हो रहा है और अभी मैं घर का सारा काम जो है फटाफट से कंप्लीट कर लूँगी और हम लोगों को जन्माष्टमी का ना मेला लगा हुआ है तो मंदिर भी जाना है और मेला में भी जाएंगे तो घर के पास में ही है दूर नहीं है एकदम पास में गेट से निकलेंगे और मेला जो है ना वो शुरू है लेकिन मैं हस्बैंड का इंतजार कर रही थी कि वो आएँगे तो जाऊँगी और इतना धूप में मैं नहीं जा पाऊँगी तो थोड़ा सा अ, मतलब अंधेरा हो जाएगा उसके बाद जाएँगे शाम के बाद तो अभी देखिए अभी सारे पास से ज़्यादा हो रहा था मैं आप लोगों को टाइम दिखाई हूँ और कितना तेज धूप अभी भी एकदम तेज धूप था सारे पाँच में, में भी हद से ज्यादा तेज धूप था छह बजे के बाद ना थोड़ा धूप जो ना कम होता है उसके बाद मैं बेड वेड शीट अच्छे से ली आई थी रंजना काम वाम करके झाड़ू करके बर्तन करके वो गई है अभी मैं सोच रही क्या सब्जी बनाऊँ गोभी था बैंगन था कद्दू था मैं सोची कद्दू ही बना लेती हूँ क्योंकि लौकी की सब्ज़ी ना हस्बैंड के लिए जैसे बिना मिर्च का मसाला का बनाना है तो लौकी का सब्जी परफेक्ट रहता है बनाने में और अच्छा भी लगता है और बाकी सब्ज़ी में अगर आप तेल मसाला थोड़ा ना डालो तो वो टेस्ट नहीं आता गोभी की सब्ज़ी तो और है कि आप थोड़ा अच्छे से ना बनाओ तो उसका वो अच्छा ही नहीं लगता गोभी की सब्ज़ी तो मैं सोची यही बना लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड के मुँह में जो छाला था वो हद तक तो ख़त्म हो गया है मैं आपको बताई थी कि बहुत ज़्यादा छाला हो गया था बहुत ही ज़्यादा पहली बार इतना छाला उनको हुआ है तो बहुत ज़्यादा छाला हो गया था लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कम हुआ है लेकिन अभी भी वो ज़्यादा तीखा जो है वो नहीं खा पाते हैं तो इसीलिए मैं उनके तरीक़े का जैसा वो खाएंगे वैसा ही मैं बना दूँगी तो यहाँ पे मैं तब तक अपना सब्जी जो है वो काट लेती हूँ और सब्जी बना भी लूँगी क्योंकि ना मैं कहीं से भी आती हूँ ना भले ही नज़दीक में ही मेला है मंदिर है लेकिन मैं ना थक जाती हूँ फिर ना मेरा मन नहीं करता मैं कुछ भी करूँ और अभी टाइम भी है हस्बैंड आएँगे उसके बाद ही जाना है तो हस्बैंड का भी कुछ काम चल रहा है तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में तब तक मैं खाना बना लूँगी कि मेला में जाऊँगी तो खाना बनाने का टेंशन जो है वो नहीं रहेगा तो अभी यहाँ पर लौकी जो है वो काट लेते हैं और प्याज काट लिया है मिर्च तो काटना नहीं है क्योंकि बिना मिर्च का ही सब्जी बनाना है तीखा बिल्कुल भी, भी सब्ज़ी जो है नहीं होना चाहिए और मैं इस टाइप का सब्जी खा रही हूँ ना मैं भी मतलब जैसा हस्बैंड के लिए बनाती हूँ वैसा ही खा ले रही हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है ना अजीब सा मतलब क्या बोलूँ टेस्ट ही नहीं आ रहा किसी भी चीज़ का आ, वैसे ही जन्माष्टमी का जब मैं फास्टिंग की थी ना तो मैं छोला पनीर की सब्ज़ी बनाई थी एकदम तीखा करके मतलब मज़ा आ गया था खाने में तो मुझे उस टाइप की सब्ज़ी आजकल अच्छा लग रहा है खाने में ये थोड़ा सा तीखा उखा हो थोड़ा सा चटपटा हो आ, लेकिन फिर ना पता है आपको अपने लिए करने का मन नहीं करता अलग से तो जो पतिदेव खाते हैं वो मैं खा लेती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि चलो यार थोड़ा बना लेते हैं तो बना लेती हूँ फ्रेंड अभी तो फिलहाल ऐसा ही चल रहा है ये थोड़े बहुत से बर्तन थे जो सूख गए थे धोया हुआ था सब रखा हुआ था बास्केट में तो ये सारे बर्तन जो है इनको मैं डाल दूंगी और बर्तन अरेंज कर देती हूँ तो सही रहता है नहीं तो बर्तन इसी में से बर्तन जो है ना खर्चा भी हो जाता तो भी है तो इसीलिए बर्तन जितने भी धुआते हैं उसको मैं अरेंज कर देती हूँ और यहाँ पे एक बोतल पानी मैं हस हस्बैंड के लिए रख देती हूँ क्योंकि वो आते ही ना ठंडा पानी ढूंढने लगते हैं मैं भी ठंडा पानी नहीं पी रही हूँ क्योंकि तो मेरे ना काफ़ी ज़्यादा गले में कफ़ का प्रॉब्लम मुझे लग रहा है इसी वजह से मैं नहीं पी रही हूँ लेकिन पति देव पीते ही हैं और कभी कभी इतना गर्मी लगने लगता है ना कि एक दो गुट मैं भी पी लेती हूँ तो अभी ये सारा कुछ करने के बाद मैं थोड़ा सा अपने लिए लाल चाय भी बनाऊँगी क्योंकि तो मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा सा लाल चाय मैं पीती तो अभी बस ये सब कर लेते हैं और ईशान का देख सकते हैं वो बहुत खुश है कि आज उसको मेला जाना है आ, बहुत ज़्यादा हैप्पी है कि मम्मी आज बाबू मेला जाएंगे बाबू मेला जाएंगे तो मेला जाने की खुशी में जब तक मैं किचन में काम कर रही थी ना ड्रेसिंग एरिया में थोड़ा बहुत सा सामान फैला हुआ था तो वो ड्रेसिंग का ना सारा सामान अरेंज कर दिया था मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई और मैं जब रूम में गई तब देखी तो ये आप देखिए अभी देखिए रूम में ना ड्रेसिंग देखिए उस ड्रेसिंग के नीचे ना सारा सामान फैला हुआ था लेकिन रिशांक ने सारा सामान अरेंज कर दिया और मैं यहाँ पे देख रही थी कि इस कपड़ों में ना एक स्मेल आ गया था क्योंकि बारिश के टाइम पे ये कपड़े ना मैं डाली थी ना तो घर में ही सूखने के लिए डाली थी तो फिर से मैं उसको धोने के लिए रख दी हूँ बाकी जितने भी कपड़े हैं सारे कपड़े को ना फोल्ड करके रख दूँगी तो शाम का यही सब काम होता है कपड़े उपड़े फ़ोल्ड करना बर्तन वर्तन स्टैंड में लगाना थोड़े बहुत से जो काम मैं दिन में नहीं कर पाती हूँ टाइम नहीं मिलता है वो काम रात के टाइम पे कर लेती हूँ मतलब शाम के टाइम पे कर लेती हूँ तो बस ऐसे ही चलता है और आप रिशांत की खुशी देख सकते हैं वो नोट कर रहा है कि उसने किया क्या क्या है और मैंने उसको कपड़ा दिया कि बेटा इसको जाके ना मशीन पे रखा तो वो ना नोट कर रहा था कि मतलब उसने किया क्या क्या है काम क्योंकि पापा को कह कहें मम्मी पापा के आते ही ना बाबू पापा को बताएंगे कि बाबू क्या क्या किया है तो बच्चे के अंदर इतना एक्साइटमेंट है देख सकते हैं <laughs> और ये ना घर पे रहता है ना अपने दादाजी लोग के साथ ना तो खेलता कूदता रहता है और यहाँ पे तो कोई है नहीं लेकिन वही है कि यहाँ पे जब स्कूल रहता है ना तो इसका टाइम पास बहुत अच्छे से हो जाता है क्योंकि सुबह सुबह स्कूल जाता है उसके बाद स्कूल से आता है नहाता खाता है सो जाता है और फिर तीन चार बजे उठ चार साढ़े चार पाँच बजे तक उठता है चार बजे तक तो उठ ही जाता है उसके बाद थोड़ा बहुत सा कुछ खाता पीता है और फिर इसकी ट्यूशन वाली मैम आ जाती है तो ये पढ़ने के लिए बैठ जाता है तो स्कूल टाइम में ना इसको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है अच्छा यहाँ पर आ, मैं ना लाल चाय बना रही हूँ तो इसमें मैंने इलायची डाला है अब इसमें लौंग डाल दूँगी चीनी डाल दूँगी और ये अच्छे से जब उबाल आ जाएगा ना फिर इसमें चाय पत्ती डाल के और इसको जस्ट उतार देना है तो मेरा लाल चाय इसी तरीके से बनता है आप तेज़पत्ता डाल सकते हैं अदरक डाल सकते हैं गर्मी काफ़ी था इसलिए मैं अदरक नहीं यूज़ की हूँ नहीं तो मैं अपने लिए अदरक मंगाई हूँ कि मैं लाल चाय पीऊँगी तो अदरक डाल के पीऊँगी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लाल चाय अगर दूध की चाय और लाल चाय में कंपेयर कीजिएगा तो मैं मुझे तो लाल चाय पसंद है देख सकते हैं तो तब तक लाल चाय बहुत ज़्यादा गर्म था तो मैं सोची कि तब तक मैं सब्ज़ी जो है वो बना लेती हूँ तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है कूकर इसी में डालूंगी सरसों का तेल और उसके बाद इसमें डालेंगे जीरा जैसा मैंने आपको बताया है कि ते मसाल मसाला uh, और मिर्च uh, बिल्कुल भी नहीं जाएगा सब्ज़ी में क्योंकि पतिदेव का सब्ज़ी है तो बस मैंने इसमें डाल दिया है जीरा और जीरा अच्छे से तरक जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज और प्याज ऐसे ही अच्छे से भुनेंगे प्याज अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे कद्दू जो हमने काटा लौकी कद्दू जो भी बोल सकते हैं और उसके बाद इसमें मैं हल्दी नमक ऐड करके और लगा दूंगी सीटी और ये बहुत जल्दी सब्जी जो है ना वो रेडी हो जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये सब्ज़ी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन वही है कि थोड़ा सा मिर्च उर्च रहता, रहता रहता नहीं है तो मज़ा नहीं आता बस ये कह सकते हैं कि मिर्च उर्च रहता है ना फ्रेंड तो थोड़ा सा मज़ा आता तो उसके बाद मैं आ, सोची कि चलो आटा भी ना है वो भी लगा लेती हूँ तो क्योंकि आटा लगा लूँगी तो आराम से उस टाइम पे मेला से आएंगे ना तो बस सिर्फ मेरा काम रहेगा कि मैं और इस टाइम पे ना आ, मतलब मैं ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ इस टाइम पे पहले बच्चे में इतना थकावट तो नहीं होता था लेकिन दूसरे बच्चे में ना इतना ज़्यादा हालत खराब हो जाता है ना थोड़ा सा भी कुछ भी कर लो तो लगता है कि थकावट सा आ गया है क्योंकि बॉडी में पहले वाला ताकत जो होता है ना वो नहीं होता है एनर्जी हमारे पास तो बस यहाँ पर देख सकते हैं मैं आटा लगा देती हूँ अच्छा ये इसमें ना आपको थोड़ा सा मुझे बहुत बड़े ऐसे कमेंट आए कि आप कितना पानी यूज़ करती हो कितना आटा यूज़ कर देखिए मुझे ना अब अंदाज हो गया है तो अब मैं मतलब अपने अंदाज से ही काम कर लेती हूँ तो वैसे आप ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही आटा सानो अगर, अगर आप नया मशीन ली हो तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा सानो काफ़ी इजी है और कोई हार्ड नहीं है और मुझे तो काफ़ी ईजी लगता है मेरा काम हद हाँ तक है, जैसे कि आटा सानने में आपको पाँच से छः मिनट तो लग ही जाएगा अगर ज़्यादा आटा है तो दस मिनट भी फ्रेंड लग जाएगा तो इसलिए तो अभी मैं यहाँ पर बैठ के अपना लाल चाय पी लेती हूँ आटा मैंने लगा दिया है कुकर में सीटी लग जाएगा साथ में ही ऋषांक से बातें करते करते चाय पी रही थी और यहां पे मैं अपना फेस वॉश कर रही हूं और को देख सकते हैं आज मेरे आगे पीछे आगे पीछे किया हुआ है इतना मेरे ब्लॉग में इसको पहली बार आगे पीछे करते हुए देखे होंगे क्योंकि ये मुझे कह रहा था मम्मी जल्दी से तैयार हो जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ मेला चलना है और इतनी गर्मी लग रहा था ना मैं आपसे क्या बताऊँ अभी मुझे दिया भी जलाना है तो पहले मैं दिया जला लेती हूँ उसके बाद ही मैं तैयार होंगी तो देखिए मैंने शाम का दिया जला लिया है और हम सभी को घर में शाम के समय दिया बत्ती करना ही चाहिए और मैं यहाँ पे मेकअप तो कर ली हूँ लेकिन अपना हेयर ठीक नहीं किया है तो अभी चलिए अभी हेयर जो है ना वो भी ठीक कर लेते हैं और मैंने अपना ये वाला कुर्ती पहना है और मंदिर देख सकते हैं कि कृष्ण भगवान का मंदिर और इतना ज़्यादा भीड़ था ना फ्रेंड पिछले साल इतना भीड़ नहीं था क्योंकि पिछले साल बारिश हो गया था ना तो भीड़ कम था लेकिन इस बार ना मेला में बहुत ज़्यादा भीड़ था मैं ज़्यादा देर नहीं रुकी थी और मैं ज़्यादा फ़ोन भी नहीं निकाल रही थी बस हमने गोलगप्पे खाया और थोड़ा सा चाउमीन मैं खाई

सही से रख दो और म, फिर इसने इसमें भारी नहीं, नहीं लग रहा को भारी नहीं लग रहा है फिर भी रख दो मेरा मैं गया ना फ्रेंड इतना ज्यादा भीड़ इतना ज्यादा भीड़ कि हम आपको क्या ही बताएं थोड़ा बहुत सा ही मैं वहाँ का वीडियो शूट की अंदर मंदिर का भी मैंने शूट नहीं की क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ था बहुत ही ज्यादा और मुझे ना भीड़ देख के भीड़ में मैं चली जाती हूँ ऐसा नहीं है लेकिन इस टाइम पे मुझे अपने बेबी का भी ध्यान रखना था गलती से किसी का हाथ वाथ ना लग जाए तेज वेज काफ़ी ज़्यादा भीड़ था तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं और आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर ब्लॉग थोड़ा सा पसंद आया हो चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा खाना मैं रेडी है सिर्फ मुझे रोटी बनाना है बस बाय बाय